नमस्कार, मैं साहिल जोशी और मुंबई मेट्रो की शुरुआत एक बड़ी खबर से। डेविड हेडली का नाम 26/11 में आखिरकार कंफर्म किया गया है एफबीआई की चार्जशीट में। अमेरिका की फेडरल लॉ एजेंसी ने डेविड कॉलमन हेडली के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की है। हेडली की चार्जशीट से यह तय हो गया है कि 26/11 के हमले से पहले लश्कर के इशारे पर डेविड हेडली मुंबई आया था और उसने हमले के टारगेट की पहचान भी की थी। 2005 में पाकिस्तान में लश्कर के एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप में शरीक होने के बाद हेडली को मुंबई जाने का फरमान दिया गया था, जिसके बाद हेडली ने फरवरी 2006 में अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड कॉलमन हेडली कर दिया था। हेडली ने उसके बाद 5 बार मुंबई आया और उसने उन जगह की तस्वीरें और वीडियो तैयार किए जिसके बाद इसके बिना पर हमले किए गए। चार्जशीट में यह इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे हेडली ने भारत के कई दूसरे शहरों में भी ऐसे जगहों की पहचान की जहां भविष्य में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश थी। अमेरिकी फेडरल एजेंसी से हेडली पर आतंकी हमले की साजिश रचने, दूसरे मुल्क में अमेरिकी नागरिकों की हत्या और डेनिस अखबार और उसके कर्मचारियों पर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दरअसल डेविड हेडली होटल ताज महल में भी रुका था और उसके साथ ही मुंबई के उन जगहों पर गया था जो जगह 26/11 हमले के दौरान आतंकियों के निशाने पर थे। लेकिन इसी वक्त मुंबई में 26/11 की ट्रायल अभी भी चल रही है और इस नए खुलासे से 26/11 के ट्रायल पर क्या असर पड़ सकता है और क्या जानकारी इसके बारे में, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल महाजनी मौजूद है। राहुल से बात करते हैं। राहुल, 26/11 मामले की ट्रायल फिलहाल चल रही है, डेविड हेडली का नाम एफबीआई ने अपने चार्जशीट में 26/11 हमले में सर्वेलेंस करने के लिए, रेकी करने के लिए शामिल करने से क्या फर्क पड़ सकता है? जी, फिलहाल मैं बता दूं, जो 26/11 की ट्रायल जो मुंबई में चल रही है वो एविडेंस रिकॉर्डिंग का, प्रोसिक्यूशन का अभी भी शुरू है, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, ये कुछ ही इसमें खत्म हो जाएगा। जो फिलहाल की ट्रायल है, हम लोगों ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम है उनसे बात की तो उनका कहना था ये पूरा जो नया खुलासा है उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में इमीडिएटली कुछ कह नहीं सकते। पर जो कसाब है, उनके जो पुराने वकील है, उन्होंने एक चीज साफ की कि एफबीआई मुंबई पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करती आई है और इस केस को एफबीआई अच्छी तरह से जानती है। तो अगर ये नया खुलासा एफबीआई की तरफ से आया है तो जल्द ही डेविड हेडली को इस केस में आरोपी करके शामिल कर लेना चाहिए। जो क्राइम ब्रांच है उनका ये कहना है कि कोई भी प्रोसेस इतने जल्द नहीं होती। 1993 में अबू सालेम का जो केस था उसमें भी अबू सालेम को बाद में सेपरेट ट्रायल में ट्राई किया जा रहा है, ना कि 93 के मेन केस के साथ। तो इसमें अगर डेविड हेडली का इन्वॉल्वमेंट है और मुंबई क्राइम ब्रांच भी मानती है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके ऊपर सेपरेट ट्रायल होगा, ना कि ये जो ओरिजिनल पहले वाला ट्रायल है उसमें उसको ट्राई नहीं किया जा सकता। जी।